मेरा टॉपिक है आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, समझ गए, आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुके हैं, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा चुके हैं, समझ गए ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा चुके हैं। तो बहुत सारे जो है आपको मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट जितने भी सिस्टम है सबके बारे में मैं आपको, यहाँ तक कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। तो इतना पढ़ा दिए हैं कि आप अगर इतना नॉलेज रखते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, समझ गए ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, पहले इस चीज को आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो मेल मतलब होता है पुरुष, रिप्रोडक्टिव मतलब होता है प्रजनन करना, और सिस्टम होता है प्रणाली। मैं बार बार बताता हूँ, जहाँ भी सिस्टम आ जाए, सिस्टम का मतलब ही होता है कि बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम बनाता है, एक प्रणाली बनाता है, समझ गए। ये देखिए, ये अंग, अब ये सारे अंग जो होते हैं तो ये अंग शरीर के बाहर और पेल्विक के भीतर यानी श्रोणि के भीतर स्थित होते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें से बहुत सारे ऑर्गेन हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेन हैं जो आपके आउटर मतलब बॉडी के बाहर स्थित है, समझ गए, कुछ ऐसे ऑर्गेन है जो बॉडी के अंदर स्थित है। तो ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीका से ऑर्गेन है, दोनों का सम्मिलित मिलन ही जो है यह सिस्टम बनाता है, समझ गए। बेसिकली बात किया जाए तो मुख्य रूप से पुरुष जननांग सीसन और वृषण है। मुख्य रूप से जननांग की बात किया जाए तो पेनिस, सीसन और जो सीमेन होता है वृषण, वो है, समझ गए, जो वीर्य और शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जो क्या करता है, वीर्य और शुक्राणु को उत्पन्न करता है, समझ गए, जो संभोग के भाग के रूप में महिला के शरीर में एक डिंब को निषेचित करता है, जो क्या करता है कि महिला के वजाइनल के थ्रू इंटर कराता है, किस चीज़ को, डिंब को जो है निषेचित करता है स्पर्म के थ्रू, समझ गए ना, कौन, यही सीसन। तो ये महत्वपूर्ण है पुरुष के, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन महत्वपूर्ण आपके सीसन और वृषण है, समझ गए। निषेचित डिंब जो युग्मनज होता है, जो मेल और फीमेल के जो अंडा और जो स्पर्म दोनों मिलता है, तो वह निषेचन होता है जिससे एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है, एक फीतल के रूप में जो बाद में शिशु के रूप में जन्म लेता है। और यही प्रक्रिया जो है प्रजनन करने की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी पुरुष के वे सभी अंग जो सम्मिलित रूप से प्रजनन की क्रिया में भाग लेता हो वही जो है पुरुष जनन तंत्र कहलाता है, समझ गए। अब इसमें जो अंग होता है, कुछ ऑर्गेन ऐसा है जो बॉडी के बाहर है, कुछ ऐसे ऑर्गेन है जो बॉडी के अंदर है, तो यही दोनों आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से सम्मिलित रूप से पुरुष का सभी ऑर्गेन जो जनन की क्रिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाग लेता है वही पुरुष जनन प्रणाली या तंत्र कहलाता है, समझ गए चीजों को। चलिए तो ये चीज़ आप समझ गए, अब चलिए आगे चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बता दिया कि कुछ जो है आपके आउटर ऑर्गेन है, कुछ आपके जो है इंटरनल ऑर्गेन है, तो इसको जो है आपको समझना है कि कौन आउटर कौन इंटरनल है। बेसिकली है कि जो बाहर से पुरुष के जो बॉडी में जो बाहर से जनन तंत्र वाला ऑर्गेन है, जो बाहर से जननांग दिखे महसूस हो वह आपका आउटर हो जाएगा, और जो न दिखे जो इंटरनल है तो वह इंटरनल होगा, समझ गए ना। तो बेसिकली हम इसमें सभी को एक जैसे सीरियल में यहाँ पे आपको लिख देते हैं। जैसे होता है एस्क्रोटम, एस्क्रोटम मतलब होता है वृषण कोष, वृषण कोष का मतलब होता है कि जिसमें आपका टेस्टिस जो है रहता है, उस कोष में टेस्टिस जहाँ पे रहता है उसे जो है हम एस्क्रोटम वृषण कहते हैं, जो हमारा एक आउटर ऑर्गेन है, जो क्या होता है माय डियर, आपके एक थैलीनुमा चमड़ा का एक थैलीनुमा जो है लटका हुआ होता है, और इसी में जो है टेस्टिस होता है, तो ऊपर वाला जो लटका हुआ भाग होता है स्किन का, यही जो है एस्क्रोटम होता है। वृषण होता है जो इसके अंदर होता है जिसको टेस्टिस कहते हैं, समझ गए, ये चीज़ें हैं। अधिवृषण होता है एपिडाइडिमिस होता है, उसके बाद वास डिफरेंस होता है शुक्रवाहिका होता है। अब इसी जो मेल होता है अगर वह अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, फीमेल के तरह अगर वह भी प्लानिंग करवाता है फैमिली प्लानिंग, तो यही वास डिफरेंस को काट दिया जाता है जो दोनों टेस्टिस से जो है क्या करता है शुक्राणु को ले जाता है, समझ गए, दोनों जो है टेस्टिस से शुक्राणु को ले जाने का काम करता है, इसी वास डिफरेंस को काट देता है जिससे शुक्राणु जो है क्या होता है नहीं जा पाता है आगे, समझ गए ना। सुपरमेटिक कॉर्ड होता है, क्या होता है, वृषण रज्जु सुपरमेटिक कॉर्ड होता है जो आपके टेस्टिस के ऊपर जो है एक लेयर सा बना होता है ए वाला, समझ गए ना। उसके बाद सेमिनल वेसल्स होता है, शुक्राशय होता है जो क्या करता है आपको पेनिस के थ्रू जो है सीमेन को बाहर लाता है, समझ गए ना। उसके बाद होता है एजुकुलेटरी डक्ट होता है, स्खलन वाहिका होता है जो पेनिस से बाहर निकालता है किसको, सीमेन को, समझ गए। और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है कि यह जो है स्पर्म में क्या करता है गतिशील के लिए तरल को जो है छोड़ता है, समझ गए ना। और यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग, इसी मूत्र मार्ग के जरिए आपका सीमेन भी बाहर आता है और मूत्र भी बाहर आता है। और आपका पेनिस होता है जो क्या करता है कि यही जो है आपके स्खलन का काम करता है। तो कुल यही 10 ऑर्गेन है जिसको याद रखिएगा,
अब पेनिस है यह हमारा आउटर ऑर्गेन है, बाहर का ऑर्गेन है, समझ गए। उसी प्रकार से आपका टेस्टिस टेस्टिस अंदर का हो जाता है, स्क्रोटम जो है आपका बाहर का है, समझ गए। तो बाहरी अंग बहुत कम ही है, बाकी सब जो है आपके इंटरनल ही होता है। तो आपके सामने में है 10 ऑर्गेन के नाम याद रखिएगा, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइडेमिस, अधिवृष, वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिकाएँ, वृषरज्जु, सुपरमेटिक कॉर्ड होता है, शुक्राशय, सेमिनल वेसल्स होता है, स्खलन वाहिका होता है, एजुकुलेटरी डक्ट्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यूरेथ्रा होता है और पेनिस यानी सीसन होता है। तो इतने सारे ऑर्गेन्स मिल के जो है मेल का रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम को बनाता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए फिगर में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अब फिगर में आप लोग समझ लीजिए। जैसे आपको पता है कि ये वाला बेलनाकार जो है एकदम मसल्स का बना होता है, यह पेनिस है, सीसन है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे जो है ये यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, समझ गए। इसी के जरिए जो है एजुकुलेट भी होता है, स्खलन का भी काम होता है, सीमेन का, समझ गए। बाकी आप लोग देख लीजिए, ये आपका अधिवृषण है, ये वाला जो है एपिडाइडेमिस है, क्या है, ये वाला एपिडाइडेमिस है जो आपको टेस्टिस के ऊपर एक लेयर सा बना के छत्ता सा रखता है, तो यही आपका एपिडाइडेमिस होता है, ये वाला, समझ गए, दोनों पे होता है, समझ गए। अब बाकी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ए वाला जो थैली नुमा ये जो देख रहे हैं, ए वाला ये थैली नुमा ही जो है आपका स्क्रोटम होता है, जिसमें आपका जो है टेस्टिस, ए वाला टेस्टिस अंदर वाला मौजूद होता है, समझ गए। तो ये लटका हुआ जो भाग होता है यह आपका क्या होता है, स्क्रोटम होता है। इसी स्क्रोटम में आपके टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, समझ गए। और वृषण पर एक मोटा सा लेयर होता है छत्ता नुमा, यही आपका एपिडाइडेमिस अधिवृषण होता है, चीज़ों को समझ गए। शुक्रवाहिका का मतलब होता है कि ये जो होता है आपके शुक्र को क्या करता है, शुक्राणु को जो है ले जाता है, शुक्राणु को यह ले जाता है कहाँ पे, यहाँ पे लाता है आपके, इधर से होकर निकालता है, क्योंकि यह प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर ही जो है यह गुजरता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें क्या करता है आपको लिक्विड को छोड़ता है सफ़ेद कलर का, समझ गए, जो ये स्पर्म को गतिशील बनाने के लिए कारगर होता है, समझ गए। तो ये जो है शुक्रवाहिना कहाँ जाता है आपके, आता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, शुक्राशय से मिलते हुए जो है आपके इस प्रोस्टेट से होते हुए, मूत्र मार्ग से होते हुए जो है आपके बाहर एजुकुलेट होने के लिए जाता है, चीजों को समझ गए। तो नॉर्मली ए फिगर आपको बना देना है इसी प्रकार से, ऐसे बनाना है, ठीक है ना, ऐसे बनाना है, और इसमें जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, बना देना है, इसमें आपका स्क्रोटम हो जाएगा, ठीक है, और इसी प्रकार से इस पर जो है आपको दोनों साइड से क्या करना है, ले जाना है ऐसे करके, और फिर जो है आपको ऐसे करके जो है ऐसे, मतलब कुछ इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है ना, और नामकरण कर देना है। थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा लेकिन बड़ी आसान भी है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रोस्टेट जो होता है ठीक जो है आपके आगे होता है, मूत्राशय के आगे प्रोस्टेट ही होता है, हल्का सा आगे थोड़ा सा नीचे आपके प्रोस्टेट ही होता है, समझ गए, जो डायरेक्टली आपके पेनिस के रास्ते से कनेक्ट होता है, क्योंकि यह जो है द्रव को छोड़ता है, पेनिस में जब एजुकुलेट होता है कोई व्यक्ति तो वह जो है द्रव को छोड़ने का काम, चिपचिपा पदार्थ जो है यही प्रोस्टेट छोड़ता है सफ़ेद कलर का, जो क्या करता है कि यह जो है सीमेन को क्या करता है, गतिशील बनाता है, समझ गए। तो प्रोस्टेट का यही रोल होता है, बाकी समझ गए। चलिए और बाकी जो ये बड़ा सा भाग आप देख रहे हैं ये मूत्राशय है, बड़ा सा भाग मूत्राशय का होता है, समझ गए। आगे चलिए, ये चीज़ें हैं, अब एक एक करके सबके बारे में हम समझते हैं। पहला है मेरा स्क्रोटम वृषण कोश, स्क्रोटम के अंदर नर का टेस्टिस पाए जाते हैं, वही गोला वाला इसी स्क्रोटम के अंदर में होता है, समझ गए ना। ये टेस्टिस वृषण होता है और यह स्क्रोटम है जो कि चमड़ी का थैली नुमा लटका रहता है, समझ गए। यह एक थैली नुमा संरचना होती है ये वाला इस प्रकार से, जो कि उदर गुहा के बाहर सीसन के नीचे तथा थाई के बीच में लटका रहता है। अब आप लोग जानते हैं कि दो जो है स्क्रोटम होता है दोनों टेस्टिस के लिए, और यह जो है पीनस के नीचे लटकता रहता है, शरीर से बाहर होता है, समझ गए, दोनों जांघों के बीच में होता है। तो ये सब आपको पता है, जहाँ पे जिसमें क्या होता है कि आपके टेस्टिस मौजूद होता है, पहला हो गया। दूसरा होता है वृषण टेस्टिस, अब है टेस्टिस, नर में दो टेस्टिस पाए जाते हैं, जिस प्रकार से फीमेल में दो ओवरी जो होता है उसी प्रकार से मेल में दो जो है टेस्टिस होता है, समझ गए। वृषण नर की जनन ग्रंथियां रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है, टेस्टिस जो है आपका होता है यह नर का एक प्रकार से ग्रंथि होता है, जो क्या करता है जो फीमेल के समान जो है पाया जाता है, जिस प्रकार से फीमेल में दो जो है आपके ओवरी दोनों साइड होता है उसी प्रकार से मेल में भी जो है स्क्रोटम में दोनों स्क्रोटम में एक एक टेस्टिस पाया जाता है, जो एक प्रकार से जनन ग्रंथि होती है ओवरीज की तरह, समझ गए। यह नर में शुक्राणुओं का निर्माण करती है, ये जो टेस्टिस होता है यही टेस्टिस जो है स्पर्म का जो है क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, निर्माण करता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है टेस्टिस। अगर किसी को टेस्टिस हाइड्रोसिल बढ़ जाता है और टेस्टिस को निकाल दिया जाएगा तो उसको समझिए बच्चा कहाँ से होगा, समझ रहे ना, ये चीज़ें होता है।
प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 600 से 800 शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स पाए जाते हैं। समझ गए? ये नलिकाएं स्पर्म का निर्माण करती है। इन नलिकाओं के बीच बीच में लेडिंग की अंतराली कोशिकाएं, समझ गए, पाई जाती है, जो कि यौना आरंभ के पश्चात टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल में ही पाया जाता है, और यही जो है हार्मोन जो है क्या करता है, आपको सिक्रेट करता है ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, जो 600 से 800 इसी टेस्टिस में पाया जाता है, और जो क्या करता है कि यही नलिका जो है आपको टेस्टिस में क्या करता है, निर्माण करता है स्पर्म का। समझ गए? तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। और जो क्या होता है, इन नलिकाओं के बीच में ही लेडिंग की अंतराली कोशिकाएं भी पाया जाता है, जो यौना आरंभ प्यूबर्टी होने के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। तो ये आपका हो गया टेस्टिस। समझ गए? अब टेस्टिस के बाद शुक्राणु का बात आया है, तो आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि भाई स्पर्म का जो है बारे में बताएं, 5 नंबर में सिर्फ स्पर्म के बारे में। तो चलिए स्पर्म के बारे में भी आपको समझा ही देते हैं। देखिए, परिपक्व शुक्राणु मैच्योर स्पर्म बेलनाकार सिलेंडर संरचना होती है। एक परिपक्व शुक्राणु को 3 भाग होते हैं। अब देखिए होता किस प्रकार से है, इस प्रकार से जो है आपके होते हैं, समझ गए, ऊपर का हेड होता है, बीच में जो है आपका इस प्रकार से बॉडी होता है, समझ गए, और पीछे एक पूंछ होता है, इसी प्रकार से जो है शुक्राणु होता है, समझ गए। तो एक जो मैच्योर स्पर्म होता है वह सिलेंडर संरचना में होता है, और यह 3 भाग में होता है, ऊपर का हेड होता है, यह बॉडी होता है, और यह टेल पूंछ होता है, समझ गए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, हेड, सिर, बॉडी, काय और टेल पूंछ होता है। अब एक एक करके चलिए देखते हैं। स्पर्म के सिर का अधिकांश भाग न्यूक्लियस से घिरा होता है। स्पर्म का जो हेड का अधिकांश भाग होता है वह न्यूक्लियस से घिरा होता है, समझ गए ना, कि न्यूक्लियस से घिरा होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है। इसके अगले न्यूक्लियर भाग पर टोपिनुमा मेम्ब्रेन स्थित होता है, जिसमें कि एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब ये जो हेड होता है ना, तो हेड जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपके जो है होते हैं, समझ गए, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद ये बॉडी होता है, उसके बाद ये पूंछ होता है, समझ गए। तो ये जो हेड होता है टोपिनुमा, ये टोपिनुमा नुकीला होता है, और ये मेम्ब्रेन झिल्ली का बना होता है, जिसमें आपके कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम एंडाणु को भेदने में सहायक होते हैं। अब ये टोपिनुमा जो भाग होता है, यही टोपिनुमा भाग नुकीला होता है, इसमें एंजाइम होता है, और यही एंजाइम अंडाणु को क्या करता है, भेदने में, ओवम को भेदने में सहायक होता है। और इसी टोपिनुमा मेम्ब्रेन को एक्रोसोम कैंप कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोमल कैंप कहते हैं, जो क्या करता है, अंडा को भेदता है फीमेल के पार्ट में जाकर, और भेदता है तभी ना फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है। तो यही चीज़ें आपको समझना है। ओके, आगे चलिए, आगे आप समझिए यहाँ पे। तो ये चीज़ें समझ गए। टोपिनुमा वाला ऊपर वाला हेड होता है, उसमें एक जो है नुकीला भाग होता है, जिसमें डीएनए पाया जाता है, एंजाइम होता है, वो एंजाइम अंडाणु को भेदने के लिए सहायक होता है, और इसी टोपिनुमा मेम्ब्रेन को एक्रोसोमल कैप कहते हैं, क्योंकि यह कैप के समान होता है ऊपर वाला, समझ गए। दूसरा होता है बॉडी। बॉडी स्पर्म की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं, जबकि ऊपर वाला में क्या भरा होता है, अभी देखें, न्यूक्लियस का बना होता है, समझ गए, समझ गए ना, जबकि बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है, जो कि फीमेल की जनन नाल में इसकी गतिशीलता के लिए एनर्जी प्रदान करता है, जो क्या करता है कि फीमेल के वजीना में जैसे ही मेल का स्पर्म जो है जाता है, तो गतिशील देता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऊर्जा के रूप में भी काम करता है। तो यह ऊर्जा भरता है स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए फीमेल के जनन अंग में, समझ गए, जो एनर्जी प्रदान करता है स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए, कौन, बॉडी, समझ गए। ये चीज़ें हैं। तीसरा इसका होता है पूंछ है, टेल है। स्पर्म का टेल एक लंबी तथा पतली संरचना होती है, जो इसकी गति में सहायता करती है, जो क्या करती है कि स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए गति में सहायता करता है। शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस में पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा होता है, जो लगभग 600 से 800 की संख्या में टेस्टिस में फैला रहता है, और यही जो है आपके शुक्राणु का निर्माण करता है टेस्टिस में, समझ गए ना, शुक्रजनक नलिका। तथा इसकी संचय अधिवृषण में होता है। तथा इसका संचय कहाँ होता है, निर्माण तो आपका टेस्टिस करता है, लेकिन इसका संचय कहाँ होता है, स्टोरेज अधिवृषण में, एपिडाइडिमिस में होता है, समझ गए। शुक्राणु जो है मादा युग्मक ओवम को निषेचित कर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है, और यही जो है शुक्राणु ही किसको करता है, अंडा को निषेचित करता है, फीमेल को निषेचित होने के बाद जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हो गया आपका, क्या चीज़, बॉडी, हेड, बॉडी और टेल हो गया स्पर्म के बारे में। अगर स्पर्म के संरचना के बारे में पूछेगा तो आराम से बता दीजिएगा 5 नंबर में, ओके, और फिगर बना दीजिएगा, हो गया। ऊपर में हल्का टोपी दीजिएगा, बीच में बॉडी को थोड़ा मोटा कीजिएगा, फिर उसके नीचे टेल को पूंछ के समान पतला कर दीजिएगा, हो गया, ठीक है ना।
अब आता है एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस अधिवृष्ण। अब मैंने आपको पढ़ाया कि अधिवृष्ण जो है टेस्टिस के ऊपर एक लेयर, टोपीनुमा लेयर सा होता है, समझ गए, लेयर सा, इसी में जो है आपका स्टोर भी होता है, स्पर्म स्टोर भी इसी में होता है। तो टेस्टिस के ऊपरी भाग में सभी शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनल वेसल्स ट्यूब आपस में संयुक्त होकर अधिवृष्ण या एपिडाइडेमिस का निर्माण करती है। अब ये मोटा इसलिए रहता है क्योंकि इसमें जो शुक्रजनक नलिका है, जो बहुत सारे शुक्रजनक नलिका इसमें जो निर्माण करता है टेस्टिस को, वह सब के सब एक जगह आप आकर मिलता है, जिसके कारण यह जो है छतानुमा मोटा बना देता है परत, और इसी जगह जो है शुक्रजनक में ही क्या होता है आपको जो है संचय, अधिवृष्ण में ही, एपिडाइडेमिस में ही जो है संचय होता है। और ये एपिडाइडेमिस क्या होता है, यह सभी शुक्रजनक नलिकाओं का एक जगह पर मिलने के कारण एक मोटा सा लेयर बनाता है टेस्टिस के ऊपर, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलिए, इसी से आगे शुक्रवाहिका वास डिफरेंस का निर्माण होता है, इसी से क्या होता है शुक्रवाहिका का निर्माण होता है, समझ गए। अधिवृष्ण के क्या कार्य है, यहाँ पे देख लीजिए, अधिवृष्ण का कार्य है कि यह शुक्राणुओं को परिपक्व करती है तथा उनके स्खलित या अपघटित होने तक उन्हें संचित स्टोर भी करती है। अब जो एपिडाइडेमिस होता है, यह एपिडाइडेमिस क्या करता है कि यह शुक्राणुओं को मैच्योर भी करता है, क्योंकि मान गए जो है टेस्टिस के अंदर जो नलिका सब है वो तो बना दिया, बना के क्या करता है भेज देता है एपिडाइडेमिस में ही, और वो एपिडाइडेमिस क्या करता है मैच्योर होने तक उसे रखता है या फिर एजुकुलेट होने तक ही जो है रखता है, समझ गए। तो ये काम है आपका एपिडाइडेमिस का, समझ गए। आगे चलिए, चौथा है वास डिफरेंस, समझ रहे ना, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका नर में दो वास डिफरेंस पाया जाता है क्योंकि दोनों टेस्टिस से जो है आपके लगे होते हैं, समझ गए ना, जो कि एपिडाइडेमिस तथा स्खलनीय वाहिका के मध्य स्थित होता है, जो कहां होता है, जो आपके एपिडाइडेमिस और स्खलिन वाहिका एजुकुलेटरी जो वेसल्स होता है, वेसिकल होता है, उसके बीच में यह मौजूद होता है वास डिफरेंस, ओके। प्रत्येक स्क्रोटम से एक शुक्रवाहिका निकलती है, अब वही चीज़ें हैं, एक साइड यहाँ भी स्क्रोटम है, इधर भी स्क्रोटम है, तो दोनों से, चूंकि दोनों के ऊपर आपका जो है एपिडाइडेमिस का एक लेयर होता है इस प्रकार से, समझ गए ना, इस प्रकार से दोनों पर, तो दोनों से जो है क्या होता है एक एक जो है शुक्रवाहिका वास डिफरेंस निकलती है, समझ गए, स्क्रोटम से, चीज़ों को समझ गए। चलिए पांचवा है स्पर्मेटिक कोर्ड वृषण रज्जु, स्पर्मेटिक कोर्ड होता है नर में दो वृषण रज्जु स्पर्मेटिक कोर्ड भी पाए जाते हैं, पुरुष में दो वृषण रज्जु स्पर्मोटिक कोर्ड भी पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कार्य क्या है इसका, कार्य है, अब ये जो हम अभी देखें आपको स्पर्मेटिक कोर्ड, ये स्पर्मोटिक कोर्ड मनुष्य में दो पाया जाता है, इसका कार्य ये है कि वृषण जो है स्क्रोटम में वृषण रज्जु की सहायता से ही लटके रहते हैं। अब जो टेस्टिस होता है वह स्क्रोटम में यानी वृषण कोष में इसी स्पर्मेटिक कोड के सहायता से ही लटका हुआ रहता है, मानिए कि जैसे ये स्क्रोटम है, दो स्क्रोटम है, ठीक है, तो इसमें जो टेस्टिस होता है यह किसके सहारे लटका हुआ है, तो ये जो लटका होता है यह जो है स्पर्मेटिक कोड के सहारे ही जो है यह स्क्रोटम में यह टेस्टिस जो है लटका रहता है, तो ये चीज़ को समझना है, ओके। चलिए छठा है सेमिनल वेसल्स, सेमिनल वेसिकल मतलब शुक्राशय, शुक्राशय याद रखिएगा, सेमिनल वेसल, शुक्राशय का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा, शुक्राशय कहने का मतलब है, अर्थ है कि नर में दो शुक्राशय सेमिनल वेसल्स पाए जाते हैं जो कि मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर तथा मलाशय रेक्टम के निचले भाग के बीच में स्थित होते हैं। अब आपको पता है कि सेमिनल वेसल्स भी मनुष्य में दो होता है, लगभग सब के सब अभी तक जो देखे हैं दो दो पाया जाता है, नर में दो शुक्राशय सेमिनल वेसल्स पाए जाते हैं जो कि मूत्राशय यूरिनरी तथा मलाशय रेक्टम के निचले भाग के बीच में स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, जो मूत्राशय और मलाशय के निचले भाग के बीच में स्थित होता है, समझ गए, ये चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। शुक्राशय का काम क्या है, महत्वपूर्ण है, इस शुक्राशय का कार्य होता है कि एजुकुलेशन स्खलन के दौरान सेमिनल वेसल्स एक चिकना एवं क्षारीय द्रव सिक्रेट करता है जिसे शुक्राशय द्रव सेमिनल फ्लूड कहते हैं, समझ गए। यह सेमिनल फ्लूड कुल सिक्रेट होने वाले वीर का लगभग 60% प्रतिशत हिस्सा बनाता है। अब मान गया देखिए आपके टेस्टिस से तो जो है स्पर्म आ गया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ स्पर्म होता है, अब स्पर्म जब सेमिनल वेसल्स की तरफ आता है शुक्राशय के तरफ, तो यह शुक्राशय क्या करता है, एक आपका शुक्राशय द्रव जो है बनाता है, सेमिनल फ्लूड बनाता है, और यह सेमिनल फ्लूड क्या करता है आपको स्पर्म को चिकना और क्षारीय द्रव सिक्रेट करता है, समझ गए, सेमिनल वेसल्स जिसे हम शुक्राशय द्रव कहते हैं। यह सेमिनल फ्लूड जो होता है यह सिक्रेट होने वाला वीर यानी सीमन एक पुरुष से सीक्रेट होता है, तो उसमें 60% प्रतिशत जो है यही सेमिनल फ्लूड का होता है, शुक्राशय द्रव का होता है, जो सेमिनल वेसिकल से क्या होता है सीक्रेट होता है, समझ गए, चीजों को ध्यान में रखना है।
सातवां है स्खलन वाहिका एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट का मतलब है कि नर में दो स्खलन वाहिका एजुकुलेटरी डक्ट पाई जाती है। नर में एजुकुलेटरी डक्ट स्खलन वाहिका भी दो है जो कि दो वैस डिफरेंस तथा दोनों शुक्राशय सेमिनल वैसेंस से निकलने वाले दो वाहिका प्रत्येक से एक एक के संयुक्त होने से बनती है। अब आपको पता होना चाहिए कि एजुकुलेटरी डक्ट जो होता है यह दो वास डिफरेंस से एक निकलने वाला और दो सेमिनल वेसल्स से एक निकलता है और यही दोनों ये दो दो एक बन जाता है और ये दो एक बन जाता है और ये दोनों मिलकर जो है क्या करता है संयुक्त रूप से दो वाहिका बना देता है और यही जो है एजुकुलेट करता है क्या चीज़ को सीमेन को। चूँकि सेमिनल वेसल्स किसको एजुकुलेट करता है द्रव को सेमिनल फ्लूड को शुक्राशय द्रव को समझ गए। जबकि वास डिफरेंस क्या करता है शुक्रा जो है आपके शुक्राणु को लेकर है और यह द्रव को आपस में मिला देता है तो बन जाता है क्या चीज सीमेन वीर बन जाता है और फिर दोनों से जो है दोनों वाहिका से जो है आपके सीमेन निकलता है समझ गए चीजों को आगे की तरफ। अब एजुकुलेटरी डक्ट्स का काम क्या है तो यह शुक्राशय द्रव सेमिनल फ्लूड तथा स्पर्म को क्रमशः शुक्राशय सेमिनल वेसल्स एवं टेस्टिस से यूरेथ्रा की ओर ले जाने का कार्य करता है। वही बताए हैं कि सेमिनल फ्लूड से एक नली निकल जाता है दोनों सेमिनल फ्लूड दोनों जो सेमिनल वेसल्स है वह एक बन जाता है एक हो जाता है और दो जो आपका सेमिनल वेसल्स है एक हो जाता है और जो टेस्टिस है दोनों मिलकर जो है क्या करता है आपको स्पर्म को जो है कन्वर्ट कर देता है सीमेन में और वह यूरेथ्रा की तरफ जो है एजुकुलेटरी डक्ट स्खलन के लिए मूत्र मार्ग के तरफ ले जाता है सीमेन को समझ गए। तो यही आपका स्खलन जो है वाहिका का काम है। आठवां है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का इसमें क्या रोल होता है देख लीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल पुरुष में ही पाई जाती है। यह पेल्विक गुहा पेल्विक कैविटी में मलाशय के सामने तथा सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे स्थित होता है। इसका कहने का मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुष में ही होता है। यह पेल्विक कैविटी के मलाशय के ठीक सामने होता है समझ गए ना मलाशय के यह ठीक सामने होता है तथा सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे होता है ओके। अब सिम्फेसिस प्यूबिस का कहने का मतलब क्या है तो आपका जो पेनिस होता है ना तो पेनिस के जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे बाल उगता है वही सिम्फेसिस प्यूबिस होता है। तो इसी सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे जो है आपके क्या होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और मलाशय के सामने होता है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड पतले तथा दूध जैसे तरल पदार्थ का सिक्रेशन करता है जो वीर्य का लगभग 30% पार्ट को बनाता है। अब आपको पता है कि 60% पार्ट कौन बना दिया सेमिनल वेसल से निकलने वाला द्रव और बाकी 30% कौन सा पार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला द्रव जो चिपचिपा और सफ़ेद कलर का जो द्रव होता है वही आपका प्रोस्टेट वाला होता है समझ गए ना जो क्या करता है आपको एजुकुलेट होने से पहले ही जो है यह द्रव निकलता है मेल के पार्ट से समझ गए ना। तो यही आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है जो क्या करता है कि यह जो है फीमेल के अम्लीयता जो होता है ना चूँकि फीमेल का जो वैजिनल होता है वह अम्लीयता होता है उसमें अम्ल का मात्रा होता है तो जैसे ही आपका जो सीमेन है स्पर्म है जाएगा फीमेल में तो अगर ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं ये तरल को सीक्रेट करेगा तो वहाँ पे अम्लीय होने के कारण सारा के सारा जो है शुक्राणु क्या होगा नष्ट हो जाएगा फीमेल के पार्ट में जाते ही तो वैसे में क्या होगा निषेचन होगा ही नहीं। तो ये क्या करता है कि अम्लीयता को कम करता है दूर करता है फीमेल के पार्ट में जाने के बाद जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म है वह आगे की तरफ आसानी से जाता है वहाँ पे नष्ट नहीं होता है समझ गए। तो ये आपका हो गया आपका यहाँ पे चीज़ें। नौवां है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का काम होता है कि वयस्क नर का मूत्र मार्ग लगभग 19 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह मूत्राशय की नेक से प्रारंभ होकर बाहरी मूत्र मार्गीय छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है समझ गए। नर में पाया जाने वाला यूरेथ्रा उत्सर्जन तथा जनन दोनों तंत्र से संबंधित है। मूत्र मार्ग जो होता है चूँकि नली तो एक ही है इसी रास्ते से आपको मूत्र भी आता है और इसी रास्ते से आपका स्पर्म भी आता है तो दोनों का काम यह मूत्र मार्ग करता है तो यह उत्सर्जन और जनन दोनों से संबंधित होता है। यह मूत्र तथा वीर्य दोनों को ही रास्ता प्रदान करता है समझ गए। यह 19 से 20 सेंटीमीटर नर में लंबा होता है चीज़ों को समझ गए। चलिए दसवां है फेनिस है सीसन है। सीसन आपका एक बाहरी अंग है जो नर में पाया जाने वाला एक बेहद ही कोमल लचीला और बेलनाकार मांसल्स का बना हुआ एक सिलिंडिकर भाग होता है जिसमें कोई हड्डी नहीं होता है जिसमें आपका पूर्णतः मांसल्स मांसपेशी का बना होता है और ब्लड वेसल्स का बना हुआ एक बेलनाकार जो है आकृति वाला एक जो है जनन का अंग होता है समझ गए पुरुष में। अब इसका कार्य क्या होता है पेनिस का तो सब लोग समझ रहे होंगे। पेनिस का कार्य होता है मूत्र त्यागना यूरिन को बाहर उत्सर्जन करना। यह मैथुन क्रिया सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान
ये जो है इसके द्वारा सीमेन को महिला की वजीना में ट्रांसफर भी किया जाता है। यह एजुकुलेशन यानी स्खलन का भी काम करता है जिसमें सीमेन को महिला के अंगों में ट्रांसफर होता है। समझ गए, बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपके सामने। देखिए मोटिवेशन को हम लोग प्रेरणा कहते हैं या इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं, समझ गए, और इसी मोटिवेशन को प्रकार को बताना है, ठीक है। अब ये मोटिवेशन को प्रकार हम लोग जो पढ़ेंगे, अब ये जो देखिए प्रेरणा और एक होता है मोटिव, मोटिव मतलब होता है प्रेरक, जो आपको प्रेरित करे, तो प्रेरित कौन करेगा, प्रेरणा ही प्रेरित करता है, समझ गए ना। तो प्रेरणा अलग अलग प्रकार के होता है, वो मोटिव्स भी बन जाएगा, समझ गए। जैसे एक्सप्लेन जो है बायोलॉजिकल, सोशल और पर्सनल मोटिव्स, मतलब वे सभी प्रेरणा जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, ऊर्जावान बनाता है, शक्तिवान बनाता है, वह प्रेरक कहलाता है, समझ गए। जैसे कोई व्यक्ति आपको उत्साहित करेगा कि तुम इसे कर सकते हो, करो करो, मतलब आपको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो वो व्यक्ति एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा आपके लिए, यानी वह प्रेरक हो जाएगा। तो जहाँ से आपको स्रोत मिले, जिस भी प्रेरणा से आपको स्रोत मिलता हो, जहाँ से भी आपको स्रोत मिलता हो आगे बढ़ने के लिए, ऊर्जावान होने के लिए, अपने लक्ष्य के प्राप्ति करने के लिए, वह सब के सब जो है आपके हो जाते हैं क्या चीज़, मोटिव्स हो जाते हैं, प्रेरक हो जाते हैं, समझ गए। और जहाँ से मिलता है वह प्रेरणा रहता है, समझ गए चीज़ों को। माइनर इसमें डिफरेंस है प्रेरणा और प्रेरक में। प्रेरक मतलब जो प्रेरित करता हो आगे बढ़ने के लिए, जो प्रेरणा देता हो वह प्रेरक हो जाएगा, प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, समझ गए। तो ये दोनों में यही अंतर है, समझ गए। चलिए अब हम चाहे आपसे ये पूछ दे प्रश्न, चाहे ये पूछ दे, आपको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए प्रेरणा मोटिवेशन होता क्या है। देखिए मोटिवेशन प्रेरणा एक प्रबल यानी एक शक्ति है, एक आंतरिक शक्ति है व्यक्ति को, जो व्यक्ति में इच्छा शक्ति को क्या करता है, जागृत करता है, जो जागृत होने के बाद व्यक्ति अपने स्वेच्छा से कार्य को करने के लिए जो है आगे बढ़ता है, जो उससे प्रेरणा उत्पन्न होता है, समझ गए। ताकि विशिष्ट उद्देश्य मतलब कोई भी काम के उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए यह मिलता है। जैसे आपको कोई कहे, बहुत ज़्यादा आपको उत्साहित कर दे कि फलना काम करना है, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आपके अंदर ऊर्जा भर रहा है, समझ गए। वो आपको आपके स्वेच्छा, आपके मन से, ठीक है, आपको मन से आपके काम को ऊर्जा भर के आपसे करवा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने स्वेच्छा से, आप अपने ऊर्जा जेनरेट हो रहा है, आपका मन में जागृति इच्छा शक्ति पैदा हुआ है, जिससे आपको एक अलग एनर्जी मिल रहा है, जो आपको प्रेरणा का काम कर रहा है आपके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उद्देश्य के साथ काम करने के लिए, समझ गए। तो यही प्रेरणा होता है। मोटिवेशन अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए, मोटिवेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति के लक्ष्यों उन्मुख मतलब गोल ओरिएंटेड व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करना। मतलब मोटिवेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति के लक्ष्य के तरफ व्यवहार को सक्रिय करना, ऊर्जान्वित करना। मतलब जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, ये व्यक्ति को काम करना है, कोई चीज़ प्राप्त करना है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इसको जो है लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, गोल को पाने के लिए, इसके व्यवहार में, इसके एनर्जी में जो है क्या करेगा, एक्टिव कर देगा, एनर्जी भर देगा, जिससे यह अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख हो जाएगा, गोल के तरफ ओरिएंटेड हो जाएगा और अपने गोल को पाने के लिए काम करेगा। तो यही अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन का अर्थ होता है कि व्यक्ति को लक्ष्य की ओर व्यवहार, लक्ष्य को पाने के लिए व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करना, मतलब ऊर्जा से भर देना, यही मोटिवेशन होता है, समझ गए। अब देखिए प्रेरणा को कई मनोवैज्ञानिक जो है, साइकोलॉजिस्ट है, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। अब ये प्रेरणा जो है अलग अलग तौर पे मनोवैज्ञानिक लोग परिभाषित किए, कैसे परिभाषित किए, तो उनमें एक गिलफोर्ड थे, गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरणा का मतलब होता है वह विशेष आंतरिक अवस्था जो क्रिया को शुरू करने एवं बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है, गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरणा का मतलब होता है कि ऐसे विशेष आंतरिक अवस्था से, इंटरनल कंडीशन से, जो व्यक्ति के काम को बनाए रख, काम को करने के लिए जरूरी होता है। अब मानिए कोई व्यक्ति थका सा महसूस कर रहा है, समझ गए, उसके अंदर इतना ज़्यादा क्षमता, इतना ज़्यादा शक्ति, ऊर्जा नहीं है कि वह आगे जो है और अपने काम को बढ़ा सके, अपने लक्ष्य की ओर जा सके। तो मोटिवेशन, प्रेरणा कहीं ना कहीं से आपको मिलता है, चाहे कोई आदमी देगा, चाहे किसी कहानी से हो, चाहे किसी फिल्म से हो, किसी भी चीज़ से आपको प्रेरणा मिल सकता है और वह प्रेरक होगा जहाँ से आप प्रेरणा लेंगे, समझ गए। तो ये प्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति, एक आंतरिक बल जो है व्यक्ति को प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति के अंदर ऊर्जान्वित महसूस होता है, व्यक्ति को कार्य बनाए रखने के लिए जरूरी होता है यह प्रेरणा, समझ गए। तो यही होता है आपका गिलफर्ड के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने कहा कि प्रेरणा एक ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था है जो उसे विशेष प्रकार के व्यवहार और निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह भी विशेष बहुत अच्छा है। वुडवर्थ ने कहा कि प्रेरणा एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था
व्यवस्था है जो किसी व्यक्ति के विशेष प्रकार के व्यवहार और निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हमको पता है कि हमको जो है मतलब 100 मीटर दौड़ना है, तो 100 मीटर दौड़ने के लिए हम अगर असमर्थ है तो हमारे अंदर प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो एक ऐसा हमारे अंदर एनर्जी आना चाहिए, एक ऐसा हमारे अंदर आंतरिक बल आना चाहिए जो हम अपने 100 मीटर दौड़ के पूरा करने में सहायता करे। तो वह अब जो बल होगा कहीं से भी मिल सकता है, कोई आदमी आकर आपको जो है ऊर्जान्वित कर सकता है, ठीक है, कोई प्रोत्साहित देगा, करो करो दौड़ो दौड़ो थोड़ा दौड़ो थोड़ा दौड़ो, आपके अंदर एक अलग एनर्जी जगेगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रेरणा एक बेसिकली आपके अंदर ऊर्जा भरता है, ऊर्जान्वित कर देता है आपको, ठीक है, और आपके लक्ष्य की ओर उन्मुख कर देता है, लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, समझ गए। तो यही हमारा प्रेरणा होता है, समझ गए चीजों को। चलिए प्रेरणा समझ गए। अब प्रेरक, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रेरणा होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, ऊर्जान्वित करेगा, आपके अंदर ऊर्जा भरेगा। लेकिन वह प्रेरणा कहां से मिल रहा है, समझ गए ना, वो प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ से प्रेरणा आपको मिलेगा वह प्रेरक के रूप होगा, समझ गए। तो आगे यह प्रेरणा के विभिन्न प्रकार के स्रोत पूछेगा या प्रेरक के प्रकार पूछ लेगा, ठीक है। तो जहाँ से प्रेरणा मिलता है वही प्रेरक होगा, समझ गए, सीधी सी बात है। तो टाइप ऑफ मोटिव जो होता है, टाइप ऑफ मोटिव्स जो होता है वह आपके प्रेरक होते हैं, ठीक है। प्रेरक मतलब जहाँ से प्रेरणा मिलता है वह प्रेरक होगा, समझ गए। तो प्रेरक के अलग अलग तौर पर हम वर्गीकृत करते हैं, कैसे देख लीजिए। पहला है बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव्स, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब होता है जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, जो व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो और वहाँ से जो प्रेरणा मिलेगा व्यक्ति को, वह जो है आपका बायोलॉजिकल या उसी को प्राथमिक प्रेरक कहते हैं। ये आधारभूत प्रेरक होते हैं, बायोलॉजिकल प्रेरक जो होता है यह आधारभूत होता है, जो व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होते हैं, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। जैविक प्रेरक जन्मजात होते हैं, मतलब जैविक प्रेरक व्यक्ति के जन्म से ही जो है ज़रूरी होता है, जैविक प्रेरक इस प्रकार है, ठीक है। तो जैविक जो प्रेरक होता है यह बेसिक नीड्स होता है व्यक्ति के लिए, यह व्यक्ति के से संबंधित, व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, जो जन्म के समय से ही जो है व्यक्ति के लिए मौजूद होता है और जो निम्न प्रकार है, तो चलिए देखते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, पहला है भूख। सबसे पहले प्राथमिक प्रेरक, यदि व्यक्ति की भूख संतुष्ट है तो उसका क्रिया और प्रक्रिया समान रहती है, एवं यदि भूख से असंतुष्ट है, व्यक्ति को भूख लगा हुआ है, तो उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है, काम करने का मन नहीं करेगा, आगे बढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो भूख एक ऐसा प्रेरक है जो आपको चाहे तो आपके लक्ष्य की ओर आगे भी बढ़ा सकता है, और भूख लगा रहेगा तो आपको नीचे भी खींच सकता है। तो भूख एक बायोलॉजिकल प्रेरक है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी बल भरता है कि चलो थोड़ा देर और जो है हम लोग लगाते हैं एनर्जी। तो भूख एक प्रकार के बायोलॉजिकल प्रेरणा है, ठीक है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने, लक्ष्य बढ़ने की ओर मदद करता है। दूसरा है प्यास। अधिक समय तक व्यक्ति प्यास पूरा नहीं होने पर वह विचलित हो जाता है। अब मानिए हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्यास लग रहा है, प्यास का एक ऐसा सीमा आएगा जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं लेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो प्यास आपके अंदर एक प्रकार से एनर्जी भी जगाएगा, बल भी देगा, और अगर प्यास बहुत गहरा लग गया है तो बिना पिए हुए आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो यह प्यास एक प्रकार से जो है आपके बायोलॉजिकल प्रेरणा में आता है, जो व्यक्ति से जन्मजात होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। सोना एक बायोलॉजिकल क्रिया है, व्यक्ति के जीवन से जैविक क्रिया है, व्यक्ति के जीवन में यह चलते रहता है। तो स्लीप निद्रा, अब हम लोग अगर आवश्यक मात्रा में नींद न ले तो थकान होगा, आलसी से बना रहेगा, ठीक है, और आपके दिन के समय नींद लगेगा, तो जिससे आप अपने समय अपने कामों में संतुलन नहीं बना पाएंगे, कुसमायोजन उत्पन्न हो जाएगा। तो निद्रा बहुत जरूरी है आपके आगे लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, आपके अंदर प्रेरणा भरने के लिए सही नींद लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके अंदर नींद आता है तो आवश्यक मात्रा में नींद लेना चाहिए, वरना यह नींद जो है आपके लिए गड़बड़ी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो तीसरा है नींद एक प्रकार से बायोलॉजिकल प्रेरणा है। चौथा है शारीरिक तापमान का नियमन। शारीरिक तापमान का नियमन मतलब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। वातावरण में रहने के कारण शरीर में बाहरी तत्वों को प्रवेश करने पर शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, जैसे गर्मी में गर्मी लगने पर पंखा या एसी चलाकर, एवं सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर शरीर के तापमान को समान बनाए रखना। अब जैसे आपको पता है कि गर्मी के समय अगर आप पंखा नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे, ठंडे एरिया में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, आपका मन नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा विचलित रहिएगा, ठीक है, काम करने का मन नहीं करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, आग नहीं जलाइएगा, गर्म कपड़े नहीं पहनिएगा, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, वहाँ भी दिक्कत है। तो शरीर के तापमान को रेगुलेट करना, नियमन बना के रखना, यह भी आपके बायोलॉजिकल प्रेरणा है, आपको यहाँ से भी प्रेरणा मिलता है, ठीक है। पाँचवा है काम उत्तेजना यानी सेक्सुअल। मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार काम उत्तेजना प्रवृत्ति मानव प्रेरकों के सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक है। फ्रायड के अनुसार यह प्रेरक व्यक्तित्व और व्यक्ति के उन्नति एवं सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करता है। अब सेक्सुअल यानी काम उत्तेजना, सेक्स एक प्रकार के आपके मोटिवेशन है, आपको प्रेरणा देता है, समझ गए, यह एक महत्वपूर्ण प्रेरक होता है जहाँ से आपको प्रेरणा मिलता है, समझ गए। फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कहा कि यह प्रेरक यानी सेक्सुअल प्रेरक व्यक्ति और व्यक्तित्व के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, सामाजिक संरचना के लिए जो है बहुत जरूरी है यह प्रेरक का होना। तो सेक्स यानी काम उत्तेजना एक आपके बायोलॉजिकल प्रेरक है, ठीक है। छठा है होमियोस्टेसिस, समान अवस्था, समस्थिति। समस्थिति कहने का मतलब है कि शरीर में विभिन्न आंतरिक अंग जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में परिवर्तन आने पर व्यक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। जैसे पानी, नमक, ऑक्सीजन आदि की कमी होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है, अतः इन पदार्थों को बाहर से लेने की प्रेरणा उत्पन्न होती है ताकि शरीर का संतुलन बनाए रहे। बायोलॉजिकल प्रेरणा का मतलब होता है कि जैसे सम स्थिति, हमारे बॉडी में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गेन है, आंतरिक अंग है, जिसको हमको अपने बॉडी के साथ समान स्थिति में बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। संतुलन बना के हर एक व्यक्ति रखता है। अगर मान गए पाचन तंत्र गड़बड़ा गया तो वहाँ भी आपको गड़बड़ होगा, श्वसन तंत्र गड़बड़ा गया वहाँ भी गड़बड़ी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र गड़बड़ा गया वहाँ भी गड़बड़ी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति अपने आप को संतुलन बना के सब रखना चाहता है। जैसे पानी, नमक की कमी होने पर, ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर को पूर्ति के लिए अलग से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, और अगर इन सब चीज़ों का गड़बड़ी हो जाए तो व्यक्ति का जीवन भी जो है परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार से यह छः जो है मैंने आपको बायोलॉजिकल बता दिया प्रेरक। अब आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन कौन बायोलॉजिकल प्रेरक है, जैविक प्रेरक है जहाँ से प्रेरणा व्यक्ति को मिलता है कुछ करने का, ठीक है। प्रेरक के मतलब होता है कि जहाँ से व्यक्ति को कुछ, प्रेरक का मतलब होता है कि जहाँ से कुछ व्यक्ति को प्रेरणा मिले कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समझ गए। यही आपका प्रेरक है जहाँ से आपको प्रेरणा मिलता है, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया, 6 पॉइंट हो गया। अब बी है सामाजिक या द्वितीयक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक, सोशल या सेकेंडरी मोटिव्स। अब कुछ ऐसे प्रेरक है जो हमको समाज से मिलता है, ठीक है, समाज से मिलता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी मोटिव्स भी कहते हैं, यानी सामाजिक या द्वितीयक प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति को समाज से प्राप्त होने वाला प्रेरक सामाजिक प्रेरक कहलाते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक प्रेरक प्रभावित करता है। सामाजिक प्रेरक इस प्रकार है, कौन कौन से सामाजिक प्रेरक है आप लोग देख लीजिए जो व्यक्ति को समाज से मिलता है, ठीक है। जैसे प्रशंसा और निंदा, ठीक है। अगर व्यक्ति को अच्छा काम करता है तो देखते होइएगा कि समाज के लोग उसे जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या करता है, प्रशंसा करता है, पसंद करता है उसे, जिसे व्यक्ति को अपने आप लगता है कि हम एक अच्छा आदमी हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, यही कारण है कि लोग हमें पसंद कर रहा है, लोग हमें प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और अगर एक गड़बड़ आदमी है जिसका पर्सनैलिटी व्यक्तित्व गड़बड़ है तो उसे लोग निंदा करता है, समझ गए। और निंदा वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि वह हमेशा सोचते रह जाएगा कि लोग हमें क्यों जो है डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज में प्रशंसा भी मिलता है और निंदा भी मिलता है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कब प्रशंसा और कब निंदा मिल रहा है, और यह प्रशंसा निंदा एक प्रकार के आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा, और अगर निंदा मिल रहा है तो मतलब आपको नीचे डोमरलाइज करने में भी मदद करेगा। तो प्रशंसा और निंदा व्यक्ति का समाज से मिलने वाला एक प्रकार का सामाजिक प्रेरक है, ठीक है। दूसरा है प्रभुत्व पावर। पावर कहने का मतलब है प्रभुत्व जो है समाज की एक प्रेरक है, समाज में पाया जाता है। इनमें मनुष्य दूसरों पर हावी होने या शासन करने की कोशिश करता है क्योंकि इससे अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। पावर के मतलब क्या होता है? पावर का मतलब थोड़ी ना होता है कि अकेले में कहीं पावर, पावर लोग क्यों रखना चाहता है? इसीलिए कि हम दूसरे पर हावी हो सके, हम अपना राज चला सके, हम अपना शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को डरा सके, ठीक है, अपने अंदर में रख सके। तो प्रभुत्व पावर का मतलब ही होता है कि शक्ति, ठीक है, शक्ति। तो शक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसके अंदर एक ऐसा आभास जगाता है, एक ऐसा विचार जगाता है जो व्यक्ति को लगता है कि हम शक्ति से हैं, तो हम दूसरों पर हावी हो सकते हैं, शासन चला सकते हैं और राज चला सकते हैं, और यह व्यक्ति को उसके खुद के संतुष्टि दिलाता है। तो कहीं ना कहीं यह पावर भी एक प्रकार के समाज से मिलने वाला एक प्रेरणा है जो व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि दिलाता है। तीसरा है अनुकरण और सहानुभूति। अनुकरण और सहानुभूति कहने का मतलब है कि अनुकरण द्वारा व्यक्ति सीखता है। अनुकरण मतलब दूसरे के बातों को, दूसरे को कामों को देखकर करना, इससे व्यक्ति सीखता भी है तथा हर व्यक्ति दूसरों के प्रति कम या अधिक सहानुभूति भी रखता है। अनुकरण एक प्रकार से समाज से मिलने वाला प्रेरणा है, ठीक है, जो व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाएगा। सहानुभूति, सिंपैथी, व्यक्ति को जो है एक दूसरे के प्रति समाज में कम या ज़्यादा सहानुभूति भी रखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अनुकरण और सहानुभूति एक सामाजिक प्रेरणा है, ठीक है।
चौथा है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार एवं समाज से ही आत्मसमर्पण की भावना सीखता है। इसमें वह अपने आप को दूसरों के अधीन कर लेता है एवं उनके आदेशों का पालन करता है। आत्मसमर्पण कहने का मतलब है सेल्फ सबनिमेशन, मतलब अगर हम कोई गलती कर लेते हैं तो दूसरों के सामने माफ़ी मांग लेना, मतलब उनके आदेशों का पालन करना, ठीक है। हमें ये लगे कि हम गलती कर चुके हैं तो दूसरे के सामने दूसरों के अधीन कर लेते हैं, ठीक है, और उनके आदेशों का पालन करते हैं। इससे होता यह है कि आप अपने गलतियों का पछतावा करते हैं तो सामने वाला आपको एक और मौका देगा सुधरने का। तो आत्मसमर्पण समाज से मिलने वाला एक प्रेरणा है जो व्यक्ति को ये सिखाता है कि अपने गलतियों को कैसे मानना चाहिए और अपने गलतियों को कैसे स्वीकार करके दूसरे को सामने जो है सबलिमेट कर देना चाहिए, ठीक है। पांचवा है सामाजिक स्वीकारता, सोशल अप्रूवल। समाज में व्यक्ति वही कार्य करता है जो समाज द्वारा स्वीकार होते हैं एवं समाज द्वारा अस्वीकार कार्यों करने से बचता है। जैसे हमारे समाज में लोग इंटरकास्ट मैरिज को बहुत गड़बड़ मानते हैं, तो यही कारण है कि लोग जो है दूसरे जाति में शादी नहीं करना चाहते हैं। और समाज में वही काम होता है, मतलब एक अपने कास्ट में शादी करना, तो यह समाज इसे स्वीकारता है। यही कारण है कि समाज के स्वीकारता के अनुसार सब लोग काम करते हैं और यह एक प्रकार से व्यक्ति को गलत कामों से बचाता है, ठीक है, अस्वीकार कार्यों से करने से बचाता है। तो सामाजिक स्वीकारता बताता है कि कौन से काम करना चाहिए समाज के लिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। छठा है आक्रामकता, मतलब एग्रेसिव। आक्रामकता का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति दूसरों पर आक्रमण करके या अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसे चोट पहुंचाना या नष्ट करना चाहता है। अब आक्रामकता भी समाज से ही मिलने वाला एक प्रेरणा है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति सीखता है कि कैसे दूसरों पर आक्रमण करना है, दूसरों पर अभद्र भाषा बोलना है, दूसरे को चोट पहुँचाना है, नुकसान पहुँचाना है। यह कहीं ना कहीं समाज से ही मिलने वाला एक प्रेरणा है, एक मोटिव है जो व्यक्ति को मिलता है, ठीक है, आक्रामकता हो गया। सातवा है अर्जनात्मक, मतलब एक्यूसिटिवनेस, ठीक है, एक्यूसिटिवनेस, ठीक है। इस प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। क्या चाहता है? इस प्रेरक में अर्जन का मतलब क्या होता है? अर्जन करना, मतलब कुछ न कुछ उपार्जित करना। तो इस प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। अलग अलग समाज व संस्कृतियों में अर्जनात्मक की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। अर्जन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें प्राप्त करना, तो सब व्यक्ति कुछ न कुछ अपने समाज से कोई ना कोई चीज़ प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो सातवां हो गया अर्जनात्मक, जो कि एक सामाजिक प्रेरक है, ठीक है। तो ये मैंने सात सामाजिक प्रेरक जो समाज से मिलने वाला है मैंने बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से समझना था, ठीक है। आगे है, अब हमारा तीसरा जो प्रेरक का प्रकार है जो बांटा गया है वो है व्यक्तिगत प्रेरक। व्यक्तिगत प्रेरक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति से ही रिलेटेड हो, जो खुद से रिलेटेड हो। तो अलग अलग व्यक्तिगत प्रेरक भी है, जैसे जीवन का लक्ष्य, लाइफ गोल। अब व्यक्ति के जीवन का कुछ, सभी व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत कुछ लक्ष्य होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं, ये लक्ष्य व्यक्ति के कामों को संचालित करते हैं, ठीक है, और उसे परिश्रम की प्रेरणा प्रदान करते हैं, उससे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब जीवन में आपके अगर कोई लक्ष्य है ही नहीं तो फिर आपको काम करने का प्रेरणा कहां से मिलेगा। तो इसलिए जीवन में लक्ष्य है तभी आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलेगा और वह आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मदद करेगा। तो जीवन का लक्ष्य एक व्यक्ति के खुद से रिलेटेड एक प्रेरणा है जो व्यक्ति को बताता है कि हाँ, हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है तो ऐसे काम करना पड़ेगा, समझ गए। दूसरा है आदतें, हैबिट। हैबिट कहने का मतलब है कि व्यक्ति के आदत, व्यक्ति के अच्छी और बुरी दोनों प्रकार से आदत हो सकते हैं। अच्छी आदतें व्यक्ति को अच्छा बनाता है, सुगम बनाता है, ठीक है, एवं व्यक्ति को प्रगतिशील बनाएगा आगे की तरफ। जबकि दूसरी बुरी आदतें व्यक्ति को लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा, व्यक्ति को नीचे खींचेगा। तो व्यक्ति के खुद से रिलेटेड है हैबिट। हैबिट एक प्रेरक है जो अच्छा होगा आगे बढ़ाएगा, जो गड़बड़ होगा बाधा उत्पन्न करेगा। तीसरा है आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन। एस्पायरेशन मतलब आकांक्षा स्तर। व्यक्ति के लक्ष्य, व्यक्ति के यह प्रेरक जीवन लक्ष्य से ही संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आकांक्षा, कोई ना कोई डिजायर, इच्छा होती है और वह इसी इच्छाओं और इसी आकांक्षाओं को पूरा करने में अग्रसर होते हैं। तो आकांक्षा स्तर भी व्यक्ति को खुद के जो है आपके प्रेरक का काम करता है, जो व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ाता है, अग्रसर करता है, उसका आकांक्षा स्तर, समझ गए। चौथा है रुचि, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि मानव व्यवहार में रुचि प्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये चीज़ें आकांक्षा स्तर हो गया, मतलब व्यक्ति को आकांक्षा कितना हो, जैसे नहीं होता है आकांक्षा, व्यक्ति नहीं सोचता है कि वो काश हम GNM करके और हमें जो है बनना है नर्सिंग ऑफिसर। आकांक्षा मेरा क्या है, हमारा आकांक्षा यही है कि हम आगे चल के नर्सिंग ऑफिसर बने। तो कहीं ना कहीं हमें जब आकांक्षा है, लेवल है इस प्रकार का कि हम नर्सिंग ऑफिसर बने, तो नर्सिंग ऑफिसर नहीं तो कम से कम हम स्टाफ नर्स के भी एग्ज़ाम जरूर पास कर जाएंगे। तो आकांक्षा स्तर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आकांक्षा स्तर रखना चाहिए सबको, ठीक है। चौथा है रुचि। रुचि कहने का मतलब है कि व्यक्ति को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जैसे ही घटेगा आपके कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, कोई काम
पूरा भी नहीं होगा। तो मानव व्यवहार में रुचि एक बहुत बड़ा प्रेरक का काम करता है। व्यक्ति को कार्य करने के लिए वही काम करना चाहिए जो जिसमें व्यक्ति को रुचि हो, क्योंकि रुचि व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह एक महत्वपूर्ण प्रेरक है जो व्यक्ति से खुद से रिलेटेड। देखते होइएगा, जिस काम में आपको रुचि नहीं होगा वो काम कीजिएगा तो कभी उस काम में मन नहीं लगता। मन लगने का मतलब नहीं है क्या कि आपके अंदर उस काम के करने के लिए प्रेरणा नहीं जग रहा है, मतलब रुचि नहीं है, समझ गए, यही चीज़ है। पांचवा है एटीट्यूड अभिवृत्ति। अभिवृत्ति कहने का मतलब है कि अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। क्या चीज़? अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है एवं इसी के आधार पर वह ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति जो है व्यक्ति को जो है बचना चाहता है। तो एटीट्यूड अभिवृत्ति जो होता है, अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है एवं इसी आधार पर वह अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति से व्यक्ति खुद को बचना चाहता है, समझ गए। तो अभिवृत्ति मतलब व्यक्ति के जो है ये चीज़ है। अब व्यक्ति से खुद से रिलेटेड व्यक्तिगत तौर पर एक क्यूरियोसिटी होती है, समझ गए, क्यूरियोसिटी होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब किसी भी व्यक्ति के अंदर काम करने के प्रति उत्सुकता रहेगा ही नहीं, आलसी आलसी रहेगा, बहुत ज़्यादा सैड सैड रहेगा। उसके अंदर उत्सुकता है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा जो है किसी काम को करने में मन लगेगा। अगर व्यक्ति के डर सा बना हुआ है, भय सा बना हुआ है, तो यह स्थिति व्यक्ति को जो है डरापन महसूस कराएगा और यह एक व्यक्ति को नीचे की तरफ जो है उसके लक्ष्य से दूर भेजेगा। तो यह प्रकार दो, उत्सुकता और भय, दोनों एक प्रकार का जो है प्रेरक है जो व्यक्ति के खुद से रिलेटेड है। अगर उत्सुकता होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, अगर भय होगा तो व्यक्ति अपने कामों पीछे भागेगा। तो इस प्रकार से यह व्यक्तिगत प्रेरक हो गया। खत्म, यहाँ पे टोटली इंग्लिश दिया गया है, ठीक है, टोटली यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, तो आप आराम से इस इंग्लिश को कंप्लीट कर लीजिएगा जो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है।